नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। एक बार जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और जो भी आपके अनुज हैं आपके छोटे भाई हैं उनसे बताइए कि इस बार परीक्षा प्लस एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आ रही है यूपी कांस्टेबल 26,000 जो पोस्ट आने वाले हैं उसके लिए बैच। तो जो लोग भी आपके छोटे भाई हों जो आपके रिश्तेदार हों उनसे बताइए कि आप परीक्षा प्लस परिवार से जुड़िए, वो हर वैकेंसी में टिल लास्ट तक आपका साथ देती है। ठीक है, आज मैं एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया हूँ। वो सूचना ये है कि यूपी एएसआई की जो फर्स्ट लिस्ट आई थी, ठीक है, ये मुझे बोर्ड से जानकारी प्राप्त चली है, जो फर्स्ट लिस्ट आई थी मैंने एक वीडियो बनाया था इस पे कि जो लोग बिना बीकॉम वाले थे और वो भी फर्स्ट लिस्ट के अकाउंटेंट में सेलेक्ट हो गए थे, कुछ बच्चे क्योंकि प्रिफ्रेंस भर दिए थे, ठीक है, तो इसलिए उनका अकाउंटेंट में नाम आ गया था, लेकिन उनके पास बीकॉम की डिग्री ना होने पर वो डीबी के लिए नहीं गए थे, तो डीबी में एब्सेंट हो गए थे। तो मैंने कहा था एक बार भर्ती बोर्ड जाइएगा, तो उसी सिलसिले में 12 बच्चे भर्ती बोर्ड गए थे कल। उसमें से बच्चों ने जानकारी डीजी, तो एक सिंगल बंदे का तो बात ही नहीं सुनता, ठीक है। तो आप जब कई लोग रहोगे, कई जब संख्या आपकी ज़्यादा होती है तब वो कहीं जाके आपके बातों पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो वो बोला कि अच्छा कितने लोग ऐसे हैं, तो बोले बहुत लोग हैं, 20-25 लोग से ऊपर हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये बात रखी, ठीक है, आप जितने लोग भी हो, ठीक, इस पर कमेटी डिसाइड करेगी कि आपका क्या करना है। जो लोग अब्सेंट हो गए हैं वो क्यों डिसाइड करेगी, क्योंकि आपका जो सेकेंड लिस्ट आया है, ये ध्यान रखना, जो सेकेंड लिस्ट आया उसमें कुछ बच्चे जो यहाँ पे अब्सेंट हो गए थे जिनके पास बीकॉम नहीं था, बीटेक था, बीएससी था, अदर डिग्री था, और उनका अकाउंटेंट में नाम आने की वजह से वो डीवी पीएसटी के लिए नहीं गए, लेकिन सेकेंड लिस्ट में उनके मार्क्स जो है कहीं ना कहीं एएसआई मिनिस्ट्रियल और स्टेनो वाले में आने चाहिए थे, क्योंकि उसके कटअप से उनके मार्क्स क्या है, ज्यादा हैं। जो क्लर्क वाला है, एएसआई क्लर्क वाला और स्टेनो वाली जो लिस्ट है, सेकेंड लिस्ट जो आई है उसमें उनके नाम होने चाहिए थे अगर वहां अब्सेंट हो गए तो, लेकिन नहीं हुआ। वो मैंने रीजन आपको जो बताया था किसी लिए नहीं हुआ कि आप वहां पे अब्सेंट थे इसलिए आपका सेकेंड लिस्ट में नाम नहीं आया, आप मिनिस्ट्रियल के और स्टेनो के कटअप से ज्यादा भी हैं तभी भी, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि आपसे वहां पे जब ये बच्चा गया था, अम्बेश नाम था इस बच्चे का, इन्होंने कहा कि हम लोग अब्सेंट हो गए क्योंकि हमारे पास डिग्री नहीं था, तो वो बोला कि हमने कहा था अब्सेंट होने के लिए, ठीक है, डीजी साहब ने बोला कि हमने तो कहा नहीं, हम तो आपको लेटर भेजे थे, एडमिट कार्ड भेजे थे, आपको आना चाहिए था। तो गलती यहाँ पे कहीं ना कहीं बच्चों की भी थी, लेकिन वो भी सोचे यार पता चले कुछ उल्टा सीधा कार्रवाई हो जाए, इससे बढ़िया मत जाओ, ठीक। तो इससे उन्होंने कहा है कि पोलाइटली कि आप लोग जितने लोग भी हो आओ एक साथ, ठीक है, और वहां पे जब मिलके जाओगे तो कहीं ना कहीं जल्दी से जल्दी आपके लिए डीबी पीएसटी की डेट फाइनल कर दी जाएगी। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक ग्रुप बनाया गया जिस ग्रुप में 20-25 बच्चे हैं जो इस स्थिति से गुजर रहे हैं, मतलब फर्स्ट लिस्ट में उनका अकाउंटेंट में नाम था और सेकेंड लिस्ट में उनका मिनिस्ट्रियल वाले में हो जाना चाहिए था, जो कट ऑफ था उससे ज्यादा उनके मार्क्स बने हैं, लेकिन उनका नाम नहीं आए, तो वो लोग गए थे। और ऐसे बच्चे जो भी हों जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन से उस व्हाट्सएप लिंक से जुड़ जाएं और उन बच्चों से कंसर्न करें और एक डेट फिक्स करके जल्दी जल्दी जब जाओगे, ठीक है, डीजी सर के पास, तब कहीं ना कहीं दया आ जाएगी उनको और आपकी जो डीबी पीएसटी है हो सकता है वो शेड्यूल कर दिया जाए, ठीक है। तो इस बात को जरूरी सूचना समझना। साथ ही साथ परीक्षा प्लस टीम जो है आपकी आगामी कुछ बैचेस लेके आ रही है, और अभी अभी जो एक और नोटिस आपका आया है कि जो एएसआई का टेंडर है, ठीक है, जो एएसआई का टेंडर है वो 6 तारीख तक के लिए वो बढ़ा दिया गया, और जाहिर से बात है कि अब जैसे ये प्रक्रिया चल रही है कि एएसआई का टेंडर ये 6 तारीख में फाइनल हो जाएगा, जो आपकी 200 समथिंग पोस्ट आने वाली है जिसमें स्टेनो की सबसे ज्यादा पोस्ट है, तो जो बच्चे इसमें चूक गए हों वो 200 वाली जो पोस्ट आ रही है उसमें आप लोग तैयारी में लग जाओ, क्योंकि ये 6 तारीख के ऑलमोस्ट अगर कुछ और ऐसा नहीं हुआ तो 6 तारीख को ये टेंडर कंपनी का फाइनल हो जाएगा किसे जा रहा है, तो उसके लिए आप लोग तैयारी शुरू कर दो। इसके लिए टीम ने बैच निकाला है जो 699 रुपये में है। साथ ही साथ जो बच्चे पीटी देना चाहते हैं, क्योंकि बिना पीटी के आपका यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम आप बैठ नहीं सकते, इस बार देख लिए होंगे, तो जो लोग पीटी देना चाहते हैं, पीटी एकदम न्यूनतम फीस में, एकदम मिनिमम फीस में, सभी स्टडी मटेरियल के साथ, टेस्ट सीरीज के साथ, आपका 399 में जो है ये बैच स्टार्ट हो चुका है, इसमें आप सब एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपके जो अगर टेट की, सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हो वो भी एकदम न्यूनतम फीस 399 और वीडियो का भी 399 में, री एग्जाम का जो है 399 में बैच स्टार्ट है। तो आप जिन्हें भी जिस बैच में एडमिशन लेना है
वो परीक्षा प्लस ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, रजिस्टर करिए, कोर्स में जाइए, जो बैच आपको लेना है वो बैच परचेस करिए। आप अपनी तैयारी जो है शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये आपके रिसेंट के एग्जाम जो आने वाले हैं, क्योंकि ASI का टेंडर चल ही रहा है, नाम में चल रहा है, और कंप्यूटर ऑपरेटर जो बच्चे बार बार हर वीडियो में पूछते हैं, सर इसकी कोई खबर है? भाई इसकी खबर ये है कि जो 693 पोस्ट थी ना, ये बढ़ रही है, ठीक है, ग्रेड ए में ये पोस्ट जो है बढ़ रही है, और एक पोस्ट प्रोग्रामर वाली जो आती है उसमें भी जो 3 या 4 पोस्ट आने वाली थी वो 100 के ऊपर जा रही है, तो ये ध्यान रखो, इसीलिए इसमें लेट हो रहा है। इसका सब कुछ फाइनल है, इसका कहीं आपका टेंडर नहीं निकलेगा, किसी दिन ये फाट पड़ेगा, ठीक है। तो जिसे भी तैयारी करना है तो ये भी बैच 699 का है, आप ऐप से परीक्षा प्लस ऐप के माध्यम से जुड़ सकते हो। और जो भी परेशानी, कोई दिक्कत, कोई समस्या आपको हो रही है, तो आप वीडियो के कमेंट में आप अपनी समस्याओं को बता सकते हो, या जो नंबर आपके हैं संस्था के 9450000, ठीक है, 6007 और 9129970780, इस पे आप WhatsApp कर सकते हो या कॉल कर सकते हो, आपको समस्या का आपके समाधान मिल जाएगा। तो चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।